अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हूं शेख ज़वार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्दो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। 7 to 13 फरवरी आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, वीकली होरोस्कोप है और बहुत अच्छी खबरों के साथ है आपके लिए। स्पेशली आपके लिए तो बहुत अच्छी खबरें हैं, चूँकि आपका अपना रूलिंग प्लेनेट सैटर्न जो है वो कमबख्त था, यानी गुरूब की हालत में था, पावर्स नहीं थी और था भी आपके खाना माल में। तो ये जो है ये 10 फरवरी को दोबारा तुलू होने जा रहा है। सन एक ख़ास डिस्टेंस पे चला गया, इसलिए अब जो है वो सैटर्न अपना पूरा किरदार जो है वो अदा कर सकेगा। इसके अलावा जुपिटर, ये भी आपके खाना माल में मौजूद है, आपके 12वें और तीसरे घर का हकीम है और खाना माल में इसकी मौजूदगी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त ये भी है। ये भी इंशाल्लाह 12 फरवरी को जो है ये भी तुलू हो जाएगा। सो ये दो इवेंट्स बहुत अच्छे हैं। अब सबसे पहले सैटर्न जब गुरूब हुआ तो ये क्या करेगा जी, ये आपके जो चूँकि रूलिंग प्लेनेट है तो आपकी जो मामला है उसको स्लो करता चला जाता है। ऐसे जैसे कि एक गाड़ी जो है वो 100 मील फी घंटे की रफ्तार से जा रही है, लेकिन एकदम इंजन उसका जो है वो आहिस्ता 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 बंद होना शुरू, उसमें पावर कम हुई। या जैसे आप एक लाइट देखते हैं, अगर उसकी लाइट आपके जो है पीछे से कम आ जाए तो वो लाइट, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें उसमें जब पावर कम होती चली जाती है तो वो रिज़ल्ट वो नहीं दे पाते जो कि दे रहे थे। एग्जैक्टली यही। लेकिन अब जब ये दोबारा अपनी पावर में आएगा तो आपके लिए बहुत सारे मामलात को बेहतर करेगा। इस वक्त आपके खाना माल में इज्तिमाई सैर करना है। सन यहाँ मौजूद है, मरकरी यहाँ पे मौजूद है लेकिन रेट्रोग्रेड है। उसके अलावा जुपिटर यहाँ मौजूद है, वीनस यहाँ पे मौजूद है एग्जैक्टली, जो कि आपके कैरियर रोज़गार से भी मुतल्लिक है और आपके 5वें घर का भी हाकिम है। इसकी भी खाना माल में मौजूदगी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा सैटर्न मौजूद है। सैटर्न चूँकि ये साइन लॉर्ड है, आपका भी फाइनेंस का भी लॉर्ड है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर प्लेसमेंट वो हम सैटर्न की काउंट करेंगे। सैटर्न जैसे ही तुलू होगा आप बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप नींद से जागे हैं, सुबह हो गई है और दोबारा ज़िंदगी जो है वो रवां दवा होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे मामला जो पेंडिंग में जा रहे थे वो होने शुरू हो जाएंगे। लोगों में आपके मकबूलियत का ग्राफ या एक जो पसीराई थी वो थोड़ी सी जो कम हुई थी, नज़र आती थी, वो दोबारा बहाल हो जाएगी। इसके अलावा जो मेन किरदार अदा करेगा सैटर्न वो आपकी माली पोजीशन पे करेगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है ये अब दोबारा से स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी। कैरियर रोज़गार के बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे और आपका फोकस होना है अब आपके कैरियर पे, चूँकि खाना माल और खाना जो आपका कैरियर रोज़गार से रिलेटेड है, 10वें घर का हाकिम, दोनों एक ही जगह पे एक ही डिग्रीज पे जो है वो आ चुके हुए हैं। सो ये भी 5 दर्जे के जो है वो इसमें फासला होता है, कंजक्शन का वो टाइम आपका लगे। ये तमाम हफ्ता आपका पूरा फोकस रहेगा कैरियर रोज़गार पे। और 10वें घर का हाकिम जब दूसरे घर में आएगा तो डेफिनेटली ये आपका फोकस उन चीज़ों पे करवाएगा जहाँ से आप अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को जो है वो सिक्योर कर सकेंगे। सो इसके आपके बहुत ज़्यादा चांस मिलेंगे। नुमाया पर्सनैलिटी के तौर पर आप उभर के आ सकेंगे, आपकी ख्वाहिशात की तकमील जो है वो हो सकेगी। कारोबारी हवाले से जो आपने स्टेप्स लिए हैं वो, आपकी मदर इन लॉ के साथ आपके तल्लुकात बेहतर होंगे, ससुराल फैमिली के साथ बेहतर होंगे। जो एलीट क्लास है वहाँ से आपको मफादात मिल सकेंगे, आपके मामला बहुत अच्छी साइड पे चलेंगे। यहाँ पे एक और अहम किरदार अदा करेगा आपका मरकरी। आपके जितने ज़ाहरी मुखालिफ हैं वो आपको माली नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा हौसले और बुर्दबारी से काम लिया तो ये इंशाल्लाह बीट हो जाएंगे और कोई ना कोई तहरीर तकरीरी ऐसी गलती करेंगे जिससे ये लोग जो है वो फंसेंगे और आपने इनको यहीं से ग्रिप करना है। अखराजात में कुछ तेज़ी का अंसर भी गालिब रहेगा, आपने मोहतात रहना है। सुसालिदो कारब को किसी भी किस्म का लोन का लेन देन से गुरेज कीजिएगा, या ओवरसीज़ जाने के लिए वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए जो है ये भी आपने कोई अप्लाई नहीं करना। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये पैसे आपके ज़ाया चले जाएंगे, आपको वीज़ा नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपका बहुत ख्याल कीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं उसमें कोई भी फेक जो है वो डॉक्यूमेंट यूज़ ना कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की ख़रीदारी से भी गुरेज कीजिएगा। माली वादे वईद करने से भी आपको गुरेज करना चाहिए। तीसरे घर का हाकिम ये भी जब ग्रुप से निकलेगा तो आपके समाजी तल्लुकात में बेहतरी आएगी। बहन भाई अजीज़ों अकारब के साथ आपके तल्लुकात जो है वो काफ़ी हद तक जो है बेहतर होते चले जाएंगे। इसी तरह बेसिक एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी आसानियाँ पैदा होंगी। कई एक नज़दीकी सफ़र होंगे जो कि आपके लिए वसीला ज़फ़र साबित होंगे। इस साल वैसे भी आप मुझे काफ़ी ज़्यादा हरकत में नज़र आते हैं, बहुत एक्टिव रोल इस साल में आप प्ले करेंगे, जिससे आपकी माली पोजीशन जो है, स्पेशली माली पोजीशन जो है, ये स्ट्रांग होगी। चौथे घर का हाकिम और 11वें घर का हाकिम ये नेगेटिव है। घर में बच्चों की वजह से कोई मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं, खानगी माहौल बच्चों की वजह से डिस्टर्ब हो सकता है, चूँकि 5वें घर में चला गया। बच्चों की वजह से आपके पास पैसे आएंगे भी और आपको उन पर अखराजात करने भी पड़ेंगे। सवारी और जगह की तब्दीली के लिए अब माहौल मुवाफिक नहीं होगा। दोस्तों पर एक लिमिट तक आप रिलाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उनको जहमत देने की कोशिश न कीजिएगा, अदरवाइज़ ये मामला बेहतर नहीं होगा। बेहतरीन जेमस्टोन इस वक्त आपके लिए जो है वो ब्लू सफ़ायर है, डार्क ब्लू कलर का। अगर आप एक नीलम पहनेंगे तो ये आपकी माली पोजीशन, जो कि इस वक्त आपके लिए सबसे अहम है, और आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है, आपका हौसला जो है, आपकी हिम्मत जो है, उसको मजबूत करने में ये बहुत ही अहम किरदार अदा करेगा। हमारी वेबसाइट पर एक बार फिर, हमारे फेसबुक पेजेस पे भी, जावा जेम्स वाले पे भी जो है एक बार फिर आपके लिए गिव अवे है। 3 खुशनसीब इंशाल्लाह 5 से ये 20 तक है, और 3 खुशनसीबों को जो है जो अनाउंस हमने किए हुए, ऑलरेडी हमने बता दिया हुआ है कि कौन से गिफ्ट्स हम जो है वो दे रहे हैं। वो गिफ्ट्स इंशाल्लाह इनको दिए जाएंगे, जैसे कि हमने पिछले महीने भी इस पे किया था। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हम जी पार्टिसिपेट नहीं कर सके, दैट्स वाई इसको हमने दोबारा अनाउंस किया है। इसके अलावा बेहतरीन क्वालिटी के जेमस्टोन के लिए आप घर बैठे जो है वो हासिल कर सकते हैं। आपको मेल चाहिए, फ़ीमेल, रिंग स्टोन, जो भी चाहिए आपको हमारी वेबसाइट पे मौजूद होता है। उसके लिए हमारा नंबर डिस्प्ले पे आ रहा होता है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। ये भी बताते चलूँ कि ये वेस्टर्न कैलकुलेशन है और जनरल है। इंडिविजुअल के लिए हमारे नंबर पर आप रब्ता करके तो अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। अब जो अगली चीज़ है, 5वें घर में आपके मार्स भी और 5वें घर का हाकिम भी अच्छी पोजीशन में। अब ये दोनों मिली जुली हो गई कुछ चीज़ें। आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान कदरे कम होंगे, लेकिन ऑपोजिशन सेक्स की तरफ आपकी तवज्जो जो है ये भी बढ़ेगी। और ये भी होगा कि आपकी लव लाइफ जो है उसमें कुछ उतार चढ़ाव भी आपके सामने आएगा। वो बच्चे जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हालात उतने मुवाफिक नहीं होंगे। घर का माहौल जो है वो आपकी स्टडी के मामलों में थोड़ा सी प्रॉब्लम का बायस जो है आपके लिए बन सकता है, रुकावट बन सकता है सीधे लफ्ज़ों में। इसके अलावा इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन आपको ये करने से पहले मार्स से मुतल्लिक़ जो सदक़ात हैं वो देना आपके लिए ज़रूरी होंगे। हर मंगल को 900 ग्राम दाल, मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका देके आप इस मामले को बेहतर कर सकते हैं। कैरियर रोज़गार पे आपका फोकस होगा और इस पे फोकस करना भी बेहतर होगा। एनर्जीज़ आपको मिलेंगी, पावर्स मिलेंगी, जो कि परवरदिगार के फजल से परवरदिगार ने जो प्लैनेट्स में कुव्वतें रखी हैं, जो उनमें असरात रखे हैं, वो आपको इंशाल्लाह बेहतरीन मिल सकेंगे। और आप ऐसे कामों की तरफ मुल्तवी तवज्जो करेंगे आप जहाँ पे आपकी माली पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होने के इम्कान बहुत ज़्यादा होंगे। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।